नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सैनी सैनी गार्डन में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिलखन के ट्री की। आज मैं पिलखन का ट्री ग्राउंड से निकालकर पॉट में शिफ्ट करूँगा। मैं कुछ दिनों पहले इसे लेके आया था नर्सरी से और इसे ग्राउंड में ग्रो करने के लिए लगा दिया था। अब इसकी जो ट्रंक है वो काफी मोटी हो गई है और काफी हेल्थी ट्री है। अब मैं इसे जमीन से निकाल रहा हूँ ताकि मैं इसे पॉट में शिफ्ट कर सकूं। आप देख रहे हैं मैंने इसे जमीन से निकाल लिया है। आप देख रहे हैं इसकी रूट्स काफी बड़ी है, ये पॉट में नहीं आएगी। आप देख रहे हैं इसकी सेप, इसकी जो ट्रंक है वो काफी मोटी है। अब इसकी जो रूट्स है जो काफी बड़ी है, हम उसको काट कर उसकी कटिंग करेंगे। हमने जो बड़ी रूट्स थी उसको निकाल दिया है, काट दिया है। अब हम इसको पॉट में शिफ्ट करने वाले हैं और हमने पॉट में जो मोटे कंकड़ होते हैं उसकी एक परत डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें कंकड़ की एक परत डाल दी है और अब हम इसमें थोड़े बारीक जैसे कि बजरी और खाद मिलाकर इस ट्री को लगाएंगे। इसमें ये जो पॉट है हम जो शिफ्ट कर रहे हैं ये मैंने घर पे ही बनाई हुई है। तो हमने इसको पॉट में शिफ्ट कर दिया है। हम इसमें पानी डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।